Hello students, now today we discuss this theorem. A norm is a continuous function. Second result is addition is continuous. Third is scalar multiplication is continuous. Chalo dekhte hain. Proof: let n be a norm linear space on a field of scalars k. n norm linear space, field of scalars k pe define kiya hua hai. Ab hum ek function f define kar rahe hain from n to r. As f of x is equal to norm x for all x belongs to n. जो हमने फंक्शन f अप्लाई करना है वो n के एलिमेंट्स पे अप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर. फंक्शन f को अप्लाई किया हमने x पे वेयर x belongs to n एंड दिस इज इक्वल टू norm x. अब हमने n का कोई आर्बिटरी एलिमेंट x नॉर कंसिडर किया एंड लेट xn बी एनी सीक्वेंस इन n सच दैट xn कन्वर्जिस टू x नॉर. ये हमने कंसिडर कर ली एक सीक्वेंस xn. जो ये सीक्वेंस है वो n के एलिमेंट्स की कंसिडर की है, मीन्स x1, x2, x3, x4 अप टू सो ऑन, और वो सीक्वेंस xn x नोर को कन्वर्ज कर रही है. नाउ लेट अस शो f ऑफ xn, मीन्स सीक्वेंस f ऑफ xn कन्वर्जेस टू f ऑफ x नोर. आपने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में कि अगर आपको प्रूव करना है कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में था. If sequence xn converges to x nor, then function f is continuous if and only if sequence f of xn converges to f of x nor. अगर यहाँ हम ये रिजल्ट प्रूव कर देते हैं कि सीक्वेंस f of xn f of x nor को कन्वर्ज कर रही है, तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा कि f जो फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. अब रिजल्ट में क्या दिखाना है, दिस सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स नोर, तो क्या लेके चल पड़े हम. नाउ कंसीडर मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नोर. नाउ दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ, डेफिनेशन लगाओ. एफ ऑफ एक्स क्या था आपके पास, नोम ऑफ एक्स. तो एफ ऑफ एक्स एन को क्या लिख सकते हो, नोम एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नोर क्या बन गया, नोम ऑफ एक्स नोर. बाय यूजिंग द अबव रिजल्ट, ये लास्ट लेक्चर में हमने रिजल्ट यूज किया था, उस रिजल्ट से रिजल्ट प्रूव किया था, उस रिजल्ट से हम कर सकते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू नॉम एक्स एन माइनस एक्स नोर. रिजल्ट क्या था आपके पास, मोड ऑफ नॉम एक्स माइनस नॉम वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉम ऑफ एक्स माइनस वाई. यूजिंग दैट रिजल्ट वी गेट दिस एंड दिस टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बिकॉज सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जिस टू एक्स नोर. यहाँ जो सीक्वेंस xn है वो n के एलिमेंट्स की सीक्वेंस है और n आपका वेक्टर स्पेस है, और अगर वेक्टर स्पेस है n तो n के एलिमेंट्स के लिए हम नॉर्म यूज करेंगे, मोड यूज नहीं करेंगे. ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की. हेयर वी यूज नॉर्म इन प्लेस ऑफ मोड बिकॉज हेयर वी आर डीलिंग विद द एलिमेंट्स ऑफ n, और n क्या है, यहाँ हमारा वेक्टर स्पेस है. तो यहाँ ये गिवन हमें लेके ही चले हुए हैं कि सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रही है x नोर को, तो मीन्स दूसरी सेंस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस टेंड्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी. तो अगर राइट हैंड साइड रिजल्ट होल्ड कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आ गया. तो हमने क्या प्रूव कर दिया, मोड f ऑफ xn माइनस f ऑफ x नोर लेस देन इक्वल टू नॉम xn माइनस x नोर एंड दिस टेंड्स टू जीरो एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. तो ये रिजल्ट भी क्या हो गया, दिस ऑल्सो टेंड्स टू जीरो एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मीन्स सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स नोर. अगर अब किसी के माइंड में ये डाउट है कि यहां हमने मोड क्यों यूज किया, बिकॉज ऑन अप्लाइंग एफ अप्लाई करने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो आर का है और आर इज अ रियल नंबर. आर, ये आर क्या है, सॉरी सेट ऑफ रियल नंबर्स, स्केलर्स की बात कर रहे हैं, और रियल नंबर्स के लिए मीन्स स्केलर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोड यूज करते हैं, और वेक्टर एलिमेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, नॉर्म यूज करते हैं. तो हमारे पास रिजल्ट आ गया सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स नॉर, मीन्स एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. और अगर एफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो यहां से हमारा क्या हो गया, नॉर्म इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. सेकेंड रिजल्ट है एडिशन इज कॉन्टिन्यूस. एडिशन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, एफ एक मैप डिफाइन कर रहे हैं. कहां से कहां तक डिफाइन कर रहे हैं, एन क्रॉस एन टू एन. एज कैसे डिफाइन किया हमने, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई. अब एफ को हमने किस पे लगाना है, एन क्रॉस एन के एलिमेंट्स पे, और उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म के होंगे, पेयर फॉर्म के होंगे, एक्स कोमा वाई. दिस इज इक्वल टू, एलिमेंट आना किसका चाहिए आपका, एन का ही एलिमेंट आना चाहिए. तो हमने यहाँ क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई. अब क्या ये एक्स प्लस वाई एन का ही एलिमेंट है,
अभी आपने चेक करना है। अब आपके पास जो n गिवन था, n क्या था आपके पास, वेक्टर स्पेस था। अगर वो वेक्टर स्पेस है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में वो ग्रुप भी तो है और ग्रुप में क्लोजर एक्सियम भी सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब अगर x और y n के एलिमेंट है तो x प्लस y भी आपका किसका एलिमेंट है, n का एलिमेंट है। ठीक है, नाउ लेट एक्स एन बी एनी सीक्वेंस इन n कन्वर्जेस टू x। हमने कोई सीक्वेंस ले ली एक्स एन जो n में किसको कन्वर्ज कर रही है, x को कन्वर्ज कर रही है। yn भी एक सीक्वेंस ले ली n के एलिमेंट्स की जो किसको कन्वर्ज कर रही है, y को कन्वर्ज कर रही है। हमने प्रूव क्या करना है, f ऑफ एक्स एन वाई एन कन्वर्जिस टू f ऑफ x कोमा वाई, ये सीक्वेंस जो है वो एफ एक्स वाई को कन्वर्ज करे। सीक्वेंस की कन्वर्जेंस के लिए हम क्या लेंगे, नॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स एन वाई एन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई, क्या दिखा दें, दिस इज लेस देन एप्साइलन या दिस टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहां अगर डाउट हो आपको कि यहां हमने नॉर्म क्यों लिया, क्योंकि एफ अप्लाई करने के बाद अब जो एलिमेंट आ रहा है हमारे पास एक्स प्लस वाई, ये एलिमेंट किसका है, आपका एन का, और एन क्या है आपका वेक्टर स्पेस, सो वी यूज नॉर्म हेयर। नाउ दिस इज इक्वल टू, यूज करो जो आपने ऊपर डेफिनेशन यूज की है, क्या है एफ ऑफ एक्स एन वाई एन क्या बनेगा, एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई। कंबाइन कर लो एक्स एन के साथ एक्स, वाई एन के साथ वाई, तो रिजल्ट बन गया आपके पास नॉर्म एक्स एन माइनस एक्स प्लस वाई एन माइनस वाई। रिजल्ट यूज करो अब यहां कि मोड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी, सेम रिजल्ट नॉर्म पे भी लग जाएगा, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, नॉर्म ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए प्लस नॉर्म ऑफ बी, एंड दिस टेंड्स टू जीरो बिकॉज सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, एंड दिस ऑल्सो टेंड्स टू जीरो बिकॉज सीक्वेंस वाई एन कन्वर्जेस टू वाई। तो दोनों ही आपके जीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो सम भी जीरो को कन्वर्ज करेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड कर रही है और लेफ्ट हैंड साइड तो इससे लेस चल रही है, तो इसका मतलब दिस आल्सो टेंड्स टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर ये आपका जीरो को टेंड कर रहा है, इसका मतलब सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स एन वाई एन कन्वर्जेस टू एफ ऑफ एक्स वाई, दिस इम्प्लाइज एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। और एफ जो फंक्शन हमने यहाँ डिफाइन किया था वो क्या डिफाइन किया हुआ है, एडिशन डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ ये एडिशन जो फंक्शन है वो क्या हो गया आपका, कॉन्टिन्यूस हो गया। क्लियर, थर्ड रिजल्ट था आपके पास, हमें क्या प्रूव करना था कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। उसके लिए हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं जी, जी फंक्शन कहाँ से तक डिफाइन किया, के क्रॉस एन टू एन एज जी ऑफ अल्फा कोमा एक्स। अब एलिमेंट किसका होना लेना है आपने, के क्रॉस एन का, मीन्स पेयर फॉर्म का टप्पल बनेगा एक। अब ये अल्फा किसका, के का, और एक्स किसका, एन का। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब एलिमेंट आना किसका चाहिए, एन का। हमने एलिमेंट क्या लिख दिया, इन दोनों की स्केलर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि रिजल्ट हमने क्या प्रूव करना है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन दिखानी है कॉन्टिन्यूस। दिस इज इक्वल टू अल्फा एक्स, अभी अल्फा एक्स एलिमेंट किसका है, एन का है। चेक करो इज इट पॉसिबल, पॉसिबल है, क्योंकि एन क्या है आपका, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन होल्ड करेगी, रिजल्ट पड़ा हुआ है आपने वेक्टर स्पेस में, कंडीशन थी वेक्टर स्पेस प्रूव करते वक्त ये, जहां अल्फा किसका है, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू के और एक्स बिलोंग्स टू एन। काम वही सेम करना है, अब इसमें हमने एक्स एन सीक्वेंस ले ली एन के एलिमेंट्स की जो किसको कन्वर्ज कर रही है, एक्स को, और ऐसे ही एक सीक्वेंस हमने किसकी लेनी है, स्केलर्स की, मीन्स अल्फा एन की, किसमें के एलिमेंट्स की सीक्वेंस है और किसको कन्वर्ज करेगी, वो के को कन्वर्ज कर रही है, मान लिया के को कन्वर्ज करेगी, सॉरी कन्वर्ज तो वो किसको कर रही है, अल्फा को। ये सीक्वेंस अल्फा एन जो है वो के एलिमेंट्स की सीक्वेंस है और कन्वर्ज किसको कर रही है, अल्फा को। अब हमें यहां प्रूव क्या करना है कि जो सीक्वेंस है जी अप्लाई करने के बाद, जी ऑफ अल्फा एन एक्स एन वो किसको कन्वर्ज करे, जी ऑफ अल्फा एक्स को कन्वर्ज करे। कंसिडर नॉर्म जी ऑफ अल्फा एन एक्स एन माइनस जी ऑफ अल्फा एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू, फिर से लगाओ जो आपने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा एन एक्स एन माइनस अल्फा एक्स। दिस इज इक्वल टू, अब यहां कन्वर्जेंस के लिए ये काम तो आप करते ही थे, यहां हमने क्या किया, अल्फा एन एक्स को ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया, कंबाइन कर दिए ये टर्म्स। एक बार हम सीक्वेंस एक्स एन की बनाएंगे और एक बार सीक्वेंस हम किसकी बनाएंगे, अल्फा की सीक्वेंस बनाएंगे। तो यहां ये रिजल्ट यूज करो कि नॉर्म ऑफ ए प्लस बी वाला रिजल्ट भी यूज करना है और साथ साथ मल्टीप्लीकेशन वाला भी यूज करना है आपने रिजल्ट। तो एडिशन के लिए तो आ गया लेस देन इक्वल टू, एंड रिजल्ट पढ़ते हो आप नॉर्म ऑफ ए बी मल्टीप्लीकेशन में हो, और ये ए क्या है आपके पास, स्क्वेलर, मीन्स नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मोड अल्फा नॉर्म एक्स। ये प्रॉपर्टी किसकी है, नॉर्म की, लगा दिया रिजल्ट, सेम रिजल्ट इज हेयर। नाउ सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, सो दिस नॉर्म टेंड्स टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यहां सीक्वेंस अल्फा एन टेंड्स टू
कन्वर्ज किसको कर रही है, अल्फा को. सो दिस नॉम आल्सो टेंड्स टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. सो देयर सम आल्सो टेंड्स टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. सो वी कैन से दिस नॉम टेंड्स टू जीरो एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. क्लियर है. तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, जी ऑफ अल्फा एन एक्स एन मीन्स जो सीक्वेंस है दिस कन्वर्जेस टू जी ऑफ अल्फा कोमा एक्स मीन्स जी इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अब यहां आपको प्रॉब्लम इससे ना हो कि जो हम कह रहे हैं कि अगर ये जीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं तो चेक करो कि क्या ये भी तो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, एक फाइनाइट नंबर आएगा, है ना. अदरवाइज अगर कोई भी टर्म इसमें से मान लो मोड अल्फा एन अगर इन्फिनिटी बन जाती है तो ये बन जाएगा जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का, या अगर यहां नॉम एक्स आपका इन्फिनिटी बन गया तो ये फॉर्म बन जाएगी जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी. और जीरो इंटू इन्फिनिटी का मतलब जीरो बाय जीरो, ये तो क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई. ठीक है. अब देखो, अब हम कैसे कह रहे हैं कि रिजल्ट कि भाई ये जो हमारे पास मोड अल्फा एन है और जो ये नॉम एक्स है ये हमारे पास फाइनाइट नंबर ही है, क्योंकि आपने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, बाउंडेड होती है. ठीक है. अगर हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस आपकी बाउंडेड है तो उसका मतलब उसका बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना, लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है ना. और अगर लोअर और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो ये अल्फा एन है तो सीक्वेंस का ही एलिमेंट ना, तो इसका मतलब क्या रहेगा, एक फाइनाइट एलिमेंट. वो इन्फिनिटी तो बन नहीं सकता. अगर किसी सीक्वेंस में इन्फिनिटी आ रहा है तो उसका तो अपर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं किया, या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं किया, तो इसका मतलब ये मोड अल्फा एन और ये नॉम एक्स आपके क्या है, फाइनाइट है. तो यहां से हमारा रिजल्ट हो गया कि ये सीक्वेंस g ऑफ अल्फा एन एक्स एन कन्वर्जेस टू g ऑफ अल्फा एक्स, दिस इंप्लाइज g इज कॉन्टिन्यूस. क्लियर है ये रिजल्ट सबको. ओके ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.